friends, I'm Preeta and welcome back to my channel in Preeta's Tips. This is my first video in Hindi and I hope you will like it. If you then please do like, share and subscribe to my channel. So let's get started. आज हम बनाने वाले हैं गणपति पप्पा जी के लिए मोदक. इसके लिए चाहिए पहले हम शेंगदाना भूज के ले लेते हैं. आपको जितना चाहिए वो हिसाब से रोस्ट करके ले लेना. अगर रोस्टेड शेंगदाना रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी बन जाएगा. फ्रेंड्स, हम शेंगदाना पहले भूज करके ले लेते हैं और इसका छिलका भी निकालना है. मैं आपको आज एक टिप्स ज़रूर बताऊंगी, इसका छिलका जल्दी कैसा निकालते हैं और उसको साफ कैसा करते हैं. ये टिप्स तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी आज. ये पूरा रोस्ट हो गया है, अभी अपन गैस बंद कर लेते हैं. अभी इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद अपन देखते हैं. फ्रेंड्स, गुड़ तो अपने को चाहिए, मीठा का हिसाब से गुड़ ले लेना. मैं देखो ऐसा वाला गुड़ लिया है, इसमें का चार पीस गुड़ लिया है मैंने. और देखो ये प्लास्टिक कवर में डाला और ऐसा इससे मैंने ऐसा करके पीस थोड़ा उसको पाउडर करके लिया है. अभी अपने को इसको पीस के लेना है, वो भी मैं दिखाती हूँ. फ्रेंड्स, अपना शेंगदाना पूरा देखो ठंडा हो गया है. अभी इसका स्किन जो है छिलका है ना, वो कितना जल्दी कैसा निकालते वो भी मैं आपको बताती हूँ. देखो मैंने एक कपड़ा ले लिया, आप कौन सा भी कपड़ा साफ कपड़ा ले लीजिए, कॉटन का हो, पॉलिस्टर, कुछ भी चलेगा. और ये मूँगफली को मैं इसमें अंदर इसका अंदर डाल दिया. अभी इसको ऐसा ले लो, ये देखिए ऐसा ले लो और इसको बांध लो और इसको ऐसा धीरे धीरे मसल के ले लेना. फटाफट इसका छिलका निकल के अपने को मिल जाएगा. अभी फ्रेंड्स अपन खोल के देख लेते हैं. ये देखो, वाह, कितना जल्दी इसका सब छिलका निकल गया. छोटा छोटा जो है वो रह जाता है, वो अपन हाथ से थोड़ा सा रह जाते हैं, कोई बात नहीं. अभी इसको ये छिलका से इसको कैसा सेपरेट जल्दी करना है वो भी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है. ये देखो फ्रेंड्स, ऐसा एक वाला ले लिया और ये शेंगदाने को इसका अंदर डाल दिया और ये देखो देखा कैसा निकल के आ रहे, जो छोटा छोटा रह जाते हैं लेकिन जल्दी उसका निकल के मिल जाते हैं. अपने भी ऐसा ईजली जल्दी कर लेते हैं, ठीक है. देखो फ्रेंड्स, ऐसा ही मैं जल्दी जल्दी पूरा शेंगदाना साफ की कर लिया. जो एक दो रह जाते हैं आप उसको हाथ से भी कर सकते हैं. बाकी देखो कितना ईजली जल्दी शेंगदाना साफ भी हो गया. देखिए अभी अपन शेंगदाना ले लिया है और एक कप गुड़ ले लिया है, लेकिन मीठा आपको जैसा चाहिए वो हिसाब से ले लेना. और ये दोनों अपन मिक्सर जार में डाल के पीस के ले लेते हैं. पहले एक बार अपन शेंगदाना मिक्सर में घुमा लेता है, उसके बाद ये इतना अपने को मिक्सर जार में पीस के लेना है. देखिए इतना तो मैंने पीस के ले लिया है. अभी इसका अंदर थोड़ा सा गुड़ भी डाल देते हैं. इसको अपन वापस से पाउडर का मिक्सर जार में पीस के ले लेते हैं. देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये तो मैंने पीस के ले लिया है. देखो फ्रेंड्स, अभी बाकी का भी मैं पीस के लाता है. देखो फ्रेंड्स, मैंने पूरा पीस के ले लिया है और अपन इसका अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं. इलायची और शक्कर दोनों मिक्स करके पीसा हुआ है, ये भी डाल देते हैं इसका अंदर आधा चम्मच. अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल देते हैं. पहले दो चम्मच घी डाल देते हैं. घी या बटर कुछ भी आप डाल सकते हैं, मैं अभी घी डाल रही हूँ. इसको अपन हाथ से ही अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे. ये तो फ्रेंड्स देखो अपना पूरा मिक्स करके हो गया. इसको रखते हैं साइड में. और देखो वही मिक्सर का जार में मैंने थोड़ा सा बादाम और काजू ले लिया है. इसको हल्का सा क्रश करके ले लेते हैं. ये स्टफिंग के लिए है. आपको मैं दो तरीके का मोदक बनाना बताती हूँ इसी बैटर से. अभी इसको हल्का सा पीस के लेते हैं. ये देखिए फ्रेंड्स, इतना ऐसा दरदरा पीस के ले लिया है और मैं इस बर्तन में डाल देती हूँ. अभी थोड़ा सा किशमिश ले लिया है, ये भी डाल देते हैं.
और ये नारियल का मुरापा है, वो भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, करीब एक दो चम्मच उतना है। देखो फ्रेंड्स, इसमें मैं एक चम्मच करीब नारियल का मुरापा भी डाल दिया है। मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करके ले लेते। और थोड़ा सा एक चम्मच करीब मिल्क मेड है ये डाल दी हूँ, ये नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा शक्कर का पाउडर डाल दीजिए और थोड़ा सा दूध डाल दीजिए और इसको मिक्स कर दीजिए। इसको अपन हाथ से मिक्स करके ले लेते हैं, बस इतना ही हो गया। अभी अपन कैसा बनाते देख लेते हैं। अभी फ्रेंड्स गणपति बप्पा जी का मोदक बना लेते हैं। देखिए मैंने ऐसा एक साँचा ले लिया है, इसमें अपन थोड़ा सा घी लगा देते हैं, हल्का सा, ज़रूरत तो नहीं है फिर भी। अब बाटर ले लीजिए और इसका अंदर रख दीजिए और इसको अच्छे से ऐसा प्रेस करके दबा देना। ये साँचा तो किधर भी इसलिए आपको मिल जाता है, प्लास्टिक में भी आता है, अलग अलग साइज़ में भी आता है, छोटा बड़ा सब साइज़ में भी आ जाते हैं, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, एकदम सस्ता में मिल जाता है। एक बार ले लिया तो हमेशा के लिए हो गया ना। मोदक अपन कई तरीके से बना सकते हैं। देखिए अभी अपन इसको खोल देते हैं आराम से। देखो और जो शेप थोड़ा ये लग रहा है तो अपने हाथ से थोड़ा सा उसको ठीक कर देना। अभी मैंने आपको एक दूसरा तरीके का भी बता देते हैं, ठीक है। अपन मोड को बंद कर दिया, इसमें भर दिया। देखिए फ्रेंड्स पूरी तरीके से भरना है और बीच में एक होल बनाना है। अपने जो मिक्सर बनाया था ना वो मसाला इसमें भर देते। देखो उसको मैंने गोल करके रख दिया है, वो इसमें रख देते हैं। देखिए अभी अपन खोल के देख लेते आराम से। देखो वाह कितना मस्त पप्पा का प्रोग बना दिया। देखिए देखो आपस से बना लेते हैं। जैसा आपको इजी पड़ते वैसा बना लेना। मैं मैदा तरीके से बना रही हूँ, आपको जो तरीका पसंद है वो हिसाब से बना लीजिए। देखो मसाला भर दिया। ये तो बच्चे बच्चे भी बना सकते हैं। खोल के देख लेते हैं। देखिए हो गया ना, मैं अभी ये पूरा बना के लेके आते, ठीक। फ्रेंड्स देखिए अपना सुंदर सा मोदक बनकर रेडी हो गया ना। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और बनाने में भी इजी है और कम चीज़ों से बनता है। फ्रेंड्स आप लोग भी बना के देख लीजिए और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है ना, और फ्रेंड्स मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, तभी तो मैंने और नया वीडियोस डालेगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। फ्रेंड्स अगला एक नया वीडियो के साथ अपन मिलते हैं, तब तक के लिए सबको बाय।